YouTube फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे, और आपके तो से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक होंगे तो हम भी अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक चले जी, आज की वीडियो तो मैं आपको फिर क्या ही बताऊं। आज की हैं। वीडियो तो क्या बताऊं, जब मैंने आपको कह दिया कि क्या बताऊं तो फिर बात ही खत्म होगी। हेलो, आज की वीडियो भी जाहिर बात है हमेशा की तरह क्या होगी, सिंपल होगी लेकिन उतनी ही खूबसूरत भी होगी। ये देखें, सारे बालों को हमने अच्छे से कॉम किया। कॉम करके सबसे पहले तो हमने अपना हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करके, वो तो हमारी पूरी रूटीन थी ना, बालों को हमने सुखा लिया और अच्छे से हमने बालों पे थोड़ा थोड़ा सीरम लगा लिया। सीरम के बगैर हमारे जो बाल हैं वो हवाई जहाज बन जाते हैं। सीरम के बगैर ना हेलीकॉप्टर की बन जाते, यहाँ से हेलीकॉप्टर बन जाता है। जो छोटे छोटे बाल है ना, जो बेबी हेयर होते हैं, छोटे बाल कहते हैं, वो मेरे खड़े हो जाते हैं ऐसे जैसे बालों में किसी ने करंट लगा दिया हो। तो इसलिए सीरम लगाना ज़रूरी है। आपके भी अगर बाल मेरी तरह छोटे छोटे हैं, वो आ रहे हैं नए नए, सीरम लगाना है। उसके बाद बालों को कॉम कर देना अच्छी तरह से, कॉमिंग करके, और आपने पोनी टेल, सारे बालों की पोनी टेल बनानी है। ये देखिए, पोनी टेल हमने बना ली। अब उस पोनी टेल के हमने टू सेक्शन किए, यानी कि हमने दो हिस्से कर लिए। एक हिस्सा ये मैंने अपने पास रख लिया और एक हिस्सा इनको दे दिया। एक हिस्सा इनको दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जो एक हिस्सा आपको दिया, आपने उसके दो हिस्से किए। दो इससे किए तो अच्छा दोनों को आपस में ट्विस्ट हाँ। करता रहा। अच्छा, आपने ट्विस्ट शुरू कर दिया, ठीक है। ये देखिए जी, अब इसको आप इस चीज पे ना जाना कि ये ट्विस्ट है तो बस बात यही खत्म। नहीं, यहाँ से तो बात शुरू हुई है, यहाँ से बात हुई हमारी शुरू। ये देखिए, अब हमने ज्यादा इसको टाइट जो है ना वो नहीं ट्विस्ट करना, थोड़ा हमने लूज ही ट्विस्ट करना है। और आपने इग्नोर करना है मुझे, जरा थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी फ्लू जुकाम हुआ हुआ है मुझे, तो मैंने उसकी मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ। पता नहीं, अब मौसम चेंज जब होता है ना तो फौरन रिएक्शन कर जाता है। हर दफ़ा नहीं, बट कभी कभी मुझे रिएक्ट हो जाता है, हर किसी को होता है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करना है। अगर थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको लग रही है आड़ी तिरछी ऐसे, ये आप पकड़े। ये जी, एक हमने ट्विस्ट की थी ना, ये देखें, ये ट्विस्ट करके हमने क्या किया, इसको रबर बैंड लगा दी। अब जी जो मेरे पास था एक सेक्शन, वो भी मैंने इनको दिया। इसके भी अब ये बड़े आराम से दो हिस्से करेंगे। देखिए, मुझे पता था ना वो ही कर रहे हैं। उसके बाद अब ये इसको भी इस तरह बनाएंगे, और ये बनाने के बाद बात ख़त्म नहीं होगी, वहाँ से बात शुरू होगी। ये हम करेंगे इसके ऐसे, आपने फाइनल लुक देखनी है। आपने कहना है कितना इजी हेयर स्टाइल बनाया है आपने और क्या ये कमाल का लग रहा है। देखिए, हम रोज़ बोर हो जाते हैं, जाहिर बात है हमारा भी दिल करता है कि हम घर पे जो है वो अच्छे अच्छे से हेयर स्टाइल बनाएं, लेकिन जाहिर बात है खुद हम जो है वो इतने मुश्किल तो हेयर स्टाइल बना नहीं सकते। तो हमने क्या किया है कि हमने आसान तरीके से जो है ना वो खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाना आपको बताना शुरू कर दिए हैं। अब आपने बना के बताना है कि आप लोगों को ये कैसे लगते हैं। ये देखिए, इसके हमने दो हिस्से कर लिए और इसको भी हम ट्विस्ट करेंगे। सारे बालों को हमने कॉम किया, सारे बालों की हमने पोनी टेल कर ली। पोनी टेल करने के बाद हमने उस पोनी टेल के दो हिस्से किए। दो हिस्से करने के बाद ये जो एक हिस्सा था उसके दो हिस्से करके हमने यूं ट्विस्ट कर दिया, बिल्कुल लूज सा। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें हल्के हल्के से कर्ल भी पड़ गए हैं। और जो बाकी एक हिस्सा था उसके साथ भी हम यही सलूक करेंगे। सलूक जी, यही सलूक करेंगे, ठीक है। नहीं, हमने बालों के साथ अच्छा ही सलूक करना है। अगर बुरा करेंगे तो फिर हम बुरे ही लगेंगे, अच्छा सलूक करेंगे तो हम अच्छे लगेंगे। देखिए जी, अब ये हमने कर दिया, अब यहीं पे तो हम, ये तो फिर बहुत सिंपल सा हो जाएगा ना यहीं। अब ये देखिए, ये देखें जी आप, अब दोनों को इनको भी हमने बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, ना बहुत लूज रखना है। ये देखिए, ये इधर नजर आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है।
दोनों हमने ट्विस्ट जो किए थे उनको हमने आपस में मिलाया और फिर से हमने ट्विस्ट करना शुरू किया। और देखिए आप, इसका फाइनल रिजल्ट तो मैं आपको करीब आके दिखाऊंगी और वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ब्लैक कलर की रबर बैंड ज़्यादा अच्छी लगेगी, ऐसे हेयर स्टाइल पे आपने ब्लैक कलर की लगानी है। अगर ब्राउन कलर के हेयर है तो अपने ब्राउन कलर की लगानी है। ये देखिए लाए आगे मैं रख के दिखाती हूँ क्या ये आपको पता नहीं कैमरे में अब सही नज़र आ रहा है कि नहीं। ये सिंपल ब्रेड तो हमारी बिल्कुल नहीं लग रही है, देखिए आप ये सिंपल नहीं। अगर सिंपल ब्रेड से तंग आ चुके ना तो ये वाला तरीका आजमाएं। ये खुद हेयर स्टाइल बनाया जा सकता है, बहुत ईजी है, खुद आप लोगों ने बनाना है। मैं इसलिए कोई ब्रेड या हेयर स्टाइल बना के इसको यूँ रखती हूँ ताकि आप लोगों को मेरे सारे बाल नज़र तो आए, वरना तो ये नज़र ही नहीं आएंगे। तो ये हमने इस तरीके से, ये देखें अगर हम इसको यूँ कर दें ना तो फिर तो आप देखिए कितनी हमारी जो है वो बन जाएगी हैवी, जो है ना हमारी ब्रेड वॉल्यूम वाली बनेगी। ये देखिए ये डिफरेंट टाइप की है और ये आप लोगों ने ज़रूर इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और फिर इसका जो है ना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ज़ाहिर बात है जो घर में ख़वातीन हैं उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो उनके लिए ये सिंपल हेयर स्टाइल जो है वो बेस्ट होने वाले हैं। चलिए जी, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा यार। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।